नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में। यह है LIC का प्लान नंबर 914 और इस वीडियो में आपको इस प्लान की पूरी विशेषताएं हैं, फीचर्स है, उसके बारे में बताया जाएगा और आपको प्रीमियम्स भी बताए जाएंगे कि आपका जो प्रीमियम है वो कैसा रहेगा इस पॉलिसी में। इसके अलावा हम एक एग्जाम्पल से इस पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे कि मैच्योरिटी पे क्या बेनिफिट मिलता है और डेथ पे क्या बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा और भी इससे टैक्स से रिलेटेड जो भी बातें हैं उन पे भी हम विचार करेंगे, इसके राइडर्स हैं उन पे भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में आपको इस प्लान से रिलेटेड सारी बातें बहुत ही संक्षिप्त वे में पता चल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि ये शेयर मार्केट से लिंक नहीं है, यानी इसका जो भी पैसा है वो शेयर मार्केट में नहीं लगेगा। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर नीचे या कम हो जाने का कोई खतरा है वो नहीं रहता है। दूसरी बात है, ये बचत और बीमा का बहुत ही अनूठा संगम है, यानी इसमें आपको बचत करने का मौका मिलता है, अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाता है इस पॉलिसी में। तो आपका बचत तो होता ही होता है, साथ के साथ इसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, यानी इंश्योरेंस भी इसमें आपको मिलता है। ये एक रेगुलर प्रीमियम बीमा है, यानी जब तक आपने पॉलिसी लिया है तब तक आपको इसमें प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। और ये विद प्रॉफिट पॉलिसी है। विद प्रॉफिट का मतलब है इसमें आपको बोनस मिलेगा पॉलिसी में, साथ ही साथ आपको फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। अब आइए बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन खरीद सकता है। तो इसके लिए मिनिमम जो एज बताई है, यानी कम से कम 8 वर्ष का जो बच्चा है उसके नाम पे ये पॉलिसी ली जा सकती है। 8 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे के नाम पे पॉलिसी नहीं ली जा सकती है। और जहाँ तक बात है अधिकतम उम्र की, यानी मैक्सिमम एज की बात करते हैं, तो 55 वर्ष के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है, 55 वर्ष के बाद इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। इसके बाद है अधिकतम मैच्योरिटी एज, यानी जब पॉलिसी मैच्योर होती है उस टाइम पे जो बीमा धारक है उसकी मैक्सिमम एज क्या हो सकती है, तो वो बताइए 75 वर्ष। यानी जब बीमा धारक 75 वर्ष का होगा उसके बाद ये पॉलिसी नहीं रहेगी, वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। और बीमा की न्यूनतम जो अवधि बताई है वो बताइए 12 वर्ष, यानी मिनिमम जो पॉलिसी लेंगे वो कम से कम 12 वर्ष का आपका पॉलिसी का टर्म आपको लेना पड़ेगा। और मैक्सिमम जो पॉलिसी का टर्म है वो बताया है 35 वर्ष। तो इसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र है 55 वर्ष, यानी अधिकतम उम्र जो इसमें बताई है, वो व्यक्ति अगर इस पॉलिसी को लेता है तो उसके लिए बताया है कि वो 75 - 55 यानी 20 वर्ष की मैक्सिमम पॉलिसी ले सकता है। इसमें हालांकि 35 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि 35 वर्ष पे उसकी जो एज है वो 90 के आसपास चली जाएगी तो वो नहीं ले पाएगा। तो 20 वर्ष के जो 55 वर्ष का आदमी है वो 20 वर्ष की पॉलिसी ले सकता है। इसके अलावा अगर हम किसी निवेशक की बात करते हैं जिसकी उम्र है 18 वर्ष, तो वह पॉलिसी को 35 वर्ष की मैक्सिमम पॉलिसी ले सकता है। और कम से कम वो व्यक्ति है वो 12 वर्ष की पॉलिसी ले सकता है। अब अगर हम इसके प्रीमियम भुगतान की बात करते हैं, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि जितनी उम्र जितनी मैच्योरिटी की आपने पॉलिसी ली है आपको उतने टाइम के लिए प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है। इसलिए अगर आपने 12 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो आपको 12 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। और अगर आपने 35 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो आपको 35 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो जितने टर्म का आपने पॉलिसी लिया है उतने टर्म तक आपको प्रीमियम का पेमेंट करते रहना होगा। अब इसकी मिनिमम समय श्योर की बात करते हैं, तो कम से कम आपको 1 लाख का समय श्योर ही लेना ही पड़ता है। और जहाँ तक अधिकतम समय श्योर की बात है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम समय श्योर की लिमिट है वो LIC आपकी एनुअल इनकम को देख करके डिसाइड करता है कि आप एनुअली कितना कमाते हैं, उसके हिसाब से ही आप पॉलिसी ले सकते हैं। आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई निवेशक है जिसकी उम्र है 35 वर्ष और वो 5 लाख का पॉलिसी लेना चाहता है और बीमा की जो अवधि यानी पॉलिसी टर्म है वो 35 वर्ष का है। यानी 35 वर्ष का कोई बीमा धारक है, व्यक्ति है, वो 5 लाख का सम एश्योर्ड लेता है और टर्म जो रहता है पॉलिसी का वो रहता है 35 वर्ष। तो उस व्यक्ति के लिए जो प्रीमियम रहेगा वो रहेगा 1186 हर महीना रहेगा। और अगर वो एनुअल प्रीमियम भुगतान करना चाहता है तो प्रीमियम रहेगा 13,923 रुपये हर वर्ष रहेगा।
इसी हिसाब से अगर हम डेली प्रीमियम कैलकुलेट करना चाहें तो 1186 में 30 का भाग देने पे 39 रुपये 50 पैसे, यानी आपको 5 लाख का पॉलिसी 35 वर्ष के लिए सिर्फ लगभग 40 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाता है। तो इस पॉलिसी में आपने कुल 35 वर्षों के लिए टोटल जो प्रीमियम का भुगतान है वो कर दिया है, 4,87,000 का टोटल भुगतान आप LIC को करते हैं। तो इसके बदले में जब निवेशक की एज हो जाएगी 70 वर्ष, और ये जो हम एग्जांपल देख रहे हैं वो रख रहे हैं कि जब पॉलिसी धारक है उसकी डेथ नहीं होती है, यानी पॉलिसी धारक पॉलिसी मैच्योर होने तक जिंदा रहता है, उस कंडीशन में देखते हैं। तो जब निवेशक की उम्र हो जाएगी 70 वर्ष तब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, और उस टाइम पे बीमा धारक है उसको मिल जाता है LIC की तरफ से 24,90,000 रुपये। ये 24,90,000 रुपये है, इसमें क्या होता है आपकी बीमा राशि रहती है 5 लाख रुपए की, बोनस रहता है 8,40,000 रुपए का, और फाइनल एडिशनल बोनस है वो मिल जाता है 11,50,000 रुपए। तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिला करके कुल जो मैच्योरिटी राशि मिलती है वो मिलती है 24,90,000 रुपए, यानी आपने जो 4,87,000 दिया था उसके बदले मिला 24,90,000। अगर आप इस राशि को एक साथ नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको किश्तों में भी ले सकते हैं। अगर आपने 10 साल की किस्तों में अगर ये राशि लेना चाहते हैं तो आपको हर वर्ष LIC की तरफ से मिलेगा 3,19,000 रुपये, यानी 10 वर्षों में आपको टोटल 31,90,000 रुपये मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपको मैच्योरिटी को अलग कहीं निवेश करने की ज़रूरत तो नहीं है, LIC आपको अच्छा खासा ब्याज उस पर भी देता रहेगा, तो आप किस्तों में भी इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों इस पॉलिसी से हमने क्या देखा है कि आप 4,87,000 का डिपॉजिट पे आपको मिल रहा है 24,90,000 रुपये, और अगर हम यही बात करते हैं तो लगभग हर दिन 40 रुपये जमा करने पे आपको मिल जाता है 24,90,000 रुपये। 40 रुपये लगभग आपकी 2 या 3 चाय की कीमत होती है, तो आप 2 या 3 की चाय की कीमत अगर LIC में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 24,90,000 रुपये का अमाउंट मिल जाता है। अब आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें बीमा धारक है उसकी मैच्योरिटी होने से पहले ही डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में क्या रहती है। तो इस कंडीशन में हम सेम एग्जांपल लेते हैं, पॉलिसी धारक की उम्र 35 वर्ष थी तब उन्होंने पॉलिसी का शुरुआत किया है, और अब क्या होता है जब पॉलिसी धारक की उम्र होती है 55 वर्ष, यानी 20 वर्ष बाद बीमा धारक की डेथ हो जाती है पॉलिसी लेने के, तो उस कंडीशन में LIC की तरफ से मिल जाता है बीमा राशि प्लस बोनस, ये बोनस में फाइनल एडिशनल बोनस है वो भी मिला हुआ होगा। तो ये दोनों मिला करके आपको जो राशि होती है नॉमिनी को वो मिल जाती है 5 लाख की बीमा राशि और 5.5 लाख यानी 5,30,000 का बोनस मिल जाता है। तो कुल मिला के जो राशि नॉमिनी को मिलती है वो मिल जाती है 10,30,000 रुपये। इसके साथ ही साथ अगर पॉलिसी धारक ने किसी प्रकार का कोई अगर अलग राइडर ले रखा है तो उस कंडीशन में क्या है, टर्म राइडर मान लीजिए उन्होंने 5 लाख का अलग से बाय किया हुआ है पॉलिसी के साथ, तो ये 5 लाख एडिशनल अमाउंट मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर टर्म राइडर ले रखा है और पॉलिसी धारक की पॉलिसी मैच्योर होने से पहले डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में डेथ कवर के साथ साथ टर्म राइडर लाभ है वो भी मिल जाता है। तो यहाँ पे 5.5 लाख और 5,30,000 रुपये के साथ साथ ये 5 लाख का टर्म राइडर अलग से मिल जाता है। तो कुल मिला के जो राशि मिलती है वो होती है 15,30,000 रुपये। इसमें आप एडिशनल राइडर और भी ले सकते हैं, और मान लीजिए किसी बीमा धारक ने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी राइडर ले रखा है 5 लाख का, और बीमा धारक है उसकी पॉलिसी मैच्योर होने से पहले किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में ये 5 लाख रुपये उनको अतिरिक्त और मिल जाता है। ये उसी कंडीशन में मिलेगा जब पॉलिसी धारक की डेथ एक्सीडेंट में होती है। ये एक्सीडेंट जरूरी नहीं है कार में ही एक्सीडेंट हो, किसी भी टाइप का एक्सीडेंट हो सकता है, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो नॉमिनी को ये 5 लाख रुपए की एडिशनल राशि मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले रखा है और पॉलिसी धारक की डेथ एक्सीडेंट में हो जाती है तो उस कंडीशन में जो नॉमिनी है उनको मिल जाता है टर्म राइडर और साथ में एक्सीडेंटल डेथ डिजेबिलिटी राइडर। तो कुल मिला के जो टोटल राशि मिलती है यहाँ पे वो हो जाती है 20,30,000 रुपये, जो कि अच्छी खासी रकम है वो मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी और विशेषता के बारे में, तो देख लीजिए इसमें आप जितना भी प्रीमियम पेमेंट करते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में उसमें छूट मिलता है। इसके अलावा जो भी मैच्योरिटी राशि या डेथ राशि होती है उस पर भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1010D के तहत छूट मिलती है। प्रीमियम का भुगतान आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं, यानी आप हर माह पे
या हर तिमाही पे, हर 6 माह पे या हर साल में प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्रेस पीरियड भी इस पॉलिसी में मिलता है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि अगर आपने प्रीमियम भुगतान की लास्ट डेट तक प्रीमियम नहीं पे किया है तो LIC की तरफ से आपको एक पीरियड मिलता है, तब तक आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, उसे ग्रेस पीरियड कहते हैं। तो ग्रेस पीरियड में आपका, मान लीजिए प्रीमियम ग्रेस पीरियड तक नहीं पे किया है और कोई क्लेम आ गया है तो LIC को क्लेम सेटल करना ही पड़ता है। तो ये ग्रेस पीरियड LIC ने बताया है कि अगर मंथली प्रीमियम है तो ग्रेस पीरियड रहता है आपका 15 दिन का और बाकी सब के लिए रहता है 30 दिन का। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी ग्रेस पीरियड तक पहुंचना ही नहीं है, हमेशा इंश्योरेंस का प्रीमियम टाइमली पेमेंट करते ही रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ पॉलिसी पर आप लोन भी ले सकते हैं LIC की तरफ से। तो ये लोन है वो 2 वर्ष के बाद, यानी आपने 2 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान कर दिया है तब आप लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और ये जो लोन की राशि होती है ये सरेंडर वैल्यू के 90% तक की राशि मिल जाती है। इसके अलावा आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, किसी भी कारण से आपको पॉलिसी अच्छी नहीं लगी है या कोई और कारण है तो आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। पॉलिसी सरेंडर करने के लिए भी आपको कम से कम 2 वर्षों का प्रीमियम का पेमेंट किया हुआ होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखें कि पॉलिसी लेते टाइम अच्छे से सोच विचार कर लें, खोजबीन कर लें, रिसर्च कर लें और अपनी आवश्यकता के हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी लें। क्योंकि जब भी आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो जो आपको राशि वापस मिलती है वो काफ़ी कम मिलती है और अच्छा खासा आपको फाइनेंशियल लॉस होता है। तो इसलिए पॉलिसी सरेंडर करने से पहले 2 बार सोच लें और पॉलिसी लेने से पहले 5 बार हमेशा सोचें। इसके अलावा आप पॉलिसी रिवाइवल भी करवा सकते हैं। पॉलिसी रिवाइवल के लिए रखा है कि प्रीमियम ड्यू डेट के 5 वर्ष के भीतर आप पॉलिसी का है इसको रिवाइव करवा सकते हैं। पॉलिसी रिवाइवल का मतलब है, मान लीजिए आप पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट करते आ रहे थे और आपने एक अवधि के बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया, तो LIC क्या करता है कि आपको 5 वर्ष का टाइम देता है। जिस टाइम आपने लास्ट प्रीमियम पेमेंट किया था उससे लेकर के उस तारीख से आपको 5 वर्ष का टाइम देता है। उस 5 वर्ष तक अगर आप वापस LIC में जाते हैं और अपना प्रीमियम तथा इंटरेस्ट अगर LIC में जमा करवाते हैं तो आपका LIC का जो पॉलिसी है वो वापस से शुरू हो जाता है, इसे पॉलिसी रिवाइवल कहते हैं। तो इसके लिए 5 वर्ष का टाइम है वो LIC की तरफ से रिवाइव करने के लिए दिया जाता है। इस पॉलिसी में आपको राइडर्स भी मिलते हैं। ये राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल डेथ राइडर और न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर एंड न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर का मतलब है कि जो लिखित जो क्रिटिकल इलनेस है, गंभीर बीमारियां हैं, अगर वो पॉलिसी धारक को हो जाती है तो उस कंडीशन में एक लमसम राशि एडवांस में LIC की तरफ से दे दी जाती है। इसके अलावा प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी आप ले सकते हैं। अगर बच्चे के नाम से पॉलिसी ले रहे हैं तो प्रीमियम बेनिफिट वेवर बेनिफिट राइडर अवश्य ले लें, क्योंकि ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का मतलब है अगर पॉलिसी धारक की पॉलिसी का जो प्रपोजर है, मान लीजिए बच्चे के नाम से किसी ने पॉलिसी ली है और पॉलिसी का प्रपोजर फादर है, उनकी डेथ हो जाती है तो आगे के सारे प्रीमियम है वो LIC की तरफ से वेव हो जाते हैं, यानी माफ़ हो जाते हैं और पॉलिसी का जो सारा बेनिफिट है वो पॉलिसी धारक को मिलता रहता है। इसलिए बच्चे के नाम से पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर अवश्य ले लेना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये राइडर्स लेते हैं तो इनका एक एडिशनल प्रीमियम आपको LIC को देना पड़ता है। आप इनमें से एक या एक से ज़्यादा राइडर्स ले सकते हैं। जहाँ तक मैच्योरिटी और डेथ क्लेम की राशि के भुगतान की बात है तो ये राशि आप संपूर्ण राशि एक मुश्त यानी लमसम पेमेंट में आप राशि ले सकते हैं। इसके अलावा LIC आपको 5, 10 और 15 वर्ष की किस्तों में भी राशि लेने का ऑप्शन देता है। इस कंडीशन में जब आप किस्तों में जाते हैं तो आपको LIC की तरफ से जो जमा राशि रहती है उस पर ब्याज मिलता रहता है। लेकिन इसके लिए ये जो ऑप्शन है ये LIC को जो बीमा धारक है उसके द्वारा पॉलिसी मैच्योर होने से पहले या डेथ होने से पहले LIC को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अदरवाइज LIC की तरफ से ये नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है और प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी अवेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ उनके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से निवेश कर सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेंगे, बहुत ही अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियोस, LIC के नई जो पॉलिसीज़ है, बाकी बीमा कंपनीज़ की पॉलिसीज़ है उनके बारे में भी हम यहाँ पे बताते रहते हैं। तो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी खासी जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी।
और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए कि मैं LIC का एजेंट नहीं हूं और ना ही मैं LIC में काम करता हूं। ये जो वीडियो बनाया है ये सिर्फ आपके ज्ञानवर्धन के लिए या एकेडमिक पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो को किसी भी प्रकार से इंश्योरेंस एडवाइजरी ना समझें। इंश्योरेंस लेने से पहले आप LIC के नज़दीकी कार्यालय, LIC की वेबसाइट या LIC द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंट से संपर्क करके ही पॉलिसी लें। बहुत बहुत धन्यवाद।